यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो धरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। हम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति के साथ इस तरह की गलत फहमियां पैदा की जाएं। अरे क्या समझते हैं ये फिल्मी लोग, क्या वो नहीं जानते कि हमारे देश की परंपरा कितनी पुरानी है, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। बस इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दिनेश पंचाल ने उसकी पिक्चर में से वो सीन्स नहीं काटे तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी इस फिल्म में कोई भी आपत्तिजनक अंश नहीं है, और ये बात मैं मीडिया के थ्रू हमारे जो सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष हैं माधव पटेल जी, उनको बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत बार उनसे कह चुका हूँ, और मैंने तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख देता हूँ। लेकिन अब वो बिना फिल्म देखे ही इस बात पे अड़े हैं कि मैं अपनी फिल्म की रिलीज ना करूं, रोक दूं। अरे मैंने पंचाल को कई बार संदेशा भेजा, क्या के बात कर, लेकिन नहीं आया। शायद उसने मेरी बात को हल्के में लिया होगा। 2 दिन बाद उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम सब लोग तैयारी रखना। और संदेश, इस शहर की जिम्मेदारी तुम पर है, एक भी थिएटर में उसकी फिल्म चलनी नहीं चाहिए। देखिएगा श्वेता जी, बात ऐसी है कि यहाँ कुछ लोगों को बहुत गलत फहमी है कि उनके कहने या सुनने से ये फिल्म बंद हो जाएगी। हो सकता है पंचाल पुलिस बुलाए, लेकिन तुम चिंता मत करना। आप फिक्र ना करें, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। गुड। विवादों में घिरने की वजह से आपकी फिल्म को फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिएगा श्वेता जी, इस तरीके की पब्लिसिटी की उन लोगों को जरूरत होती है जिन्हें कोई नहीं जानता हो। आप भी जानती हैं, इस देश की जनता भी जानती है, मैंने पहले भी बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। परसों सुबह हम फिर से यहीं पर 9 बजे मिलेंगे, आगे क्या करना है मैं तब बताऊंगा। जय भूमि जय आकाश, जय भूमि जय आकाश, जय भूमि जय आकाश। से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सके तो आप कुछ रुपए का इंतजाम कर लीजिए, शायद मेजर ऑपरेशन करना पड़ सकता है, 40,000 तक का खर्चा आएगा। घायल गार्ड को अस्पताल ले जाया गया है, और हमारे साथ है सिनेमा हॉल के मालिक मिस्टर प्रवीण खन्ना, जो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
मिस्टर खन्ना, क्या आप हमें बताएंगे कि आपके घायल कर्मचारी का नाम क्या है और उसकी अब हालत कैसी है? जी, उसका नाम संतोष यादव है और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ICU में भर्ती किया गया है। वहाँ के डॉक्टर से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, सुबह तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, किसी तरह से उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब, किसी तरह से। आई एम सॉरी मैम। संतोष यादव की इलाज की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं? देखिए, मैंने कभी भी मना नहीं किया, उसे जो भी कोई जरूरत होगी वो। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ क्या? मैं अभी आता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम चाहोगी तो तुम्हें नौकरी भी दे दूंगा। ये कुछ पैसे रख लो। देखो, मुझे थिएटर पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तुम बेहिचक मेरे पास चली आना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति के कातिलों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। यही तो होता है, यहाँ आम लोगों को न्याय मांगने से नहीं मिलता, उन्हें कदम कदम पर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ईशा, यस, तुम इस वाक्य से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर से, सब जगह से इकट्ठा करो, हो सके तो न्यूज़ चैनल से क्लिपिंग्स भी लो। ओके, ऑलराइट। देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तुम चिंता मत करो, इस केस की फीस मैं तुमसे लूंगी नहीं बल्कि तुमको दूंगी, उन लोगों से लेकर जो तुम्हारे पति के मौत के जिम्मेदार हैं। क्या मतलब? देखो रेवती, मैं तुम्हारी तरफ से दो केसेस फाइल करूंगी, एक उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने संतोष की हत्या की है, और दूसरा उनके खिलाफ जिससे तुम्हें संतोष की मौत के हर्जाने के रूप में पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें शायद गलत लगे कि हम तुम्हारे पति की मौत के एवज में किसी से रकम क्यों मांगे, लेकिन एक बात सोचो, तुम्हारे सामने अभी पूरी उम्र पड़ी है, और फिर तुम्हें अपनी बच्ची की भी तो परवरिश करनी है, उसकी शादी भी करनी है। अगर मैं तुम्हें हर्जाना दिलाने में कामयाब हुई तो उसमें से फीस ले लूंगी, ठीक है? मैं पेपर्स तैयार कर। मुझे इस मामले में घसीटा जा रहा है भाई, उस गेटकीपर को मारा संस्कृति मंच वालों ने, और वो पायल थिएटर में काम किया करता था। अब शायद इन दोनों की जिम्मेदारी तो बनती हो, लेकिन मेरा इस बात से क्या लेना देना? पांचाल साहब, आप चाहते क्या है? सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा केस लड़े और इस उज्ज्वला रावत नाम की चीज से मेरा पीछा छुड़ाएं। मैं वैसे ही अपनी फिल्म को लेकर बहुत टेंशन में, और ऊपर से इस केस का झंझट। कोई टेंशन मत लीजिए, समझिए आपका काम हो गया, ओके? और रही बात उज्ज्वला रावत की, तो वो जानती नहीं कि संस्कृति मन से उलझकर वो क्या कर बैठी। कभी उनके नारे सुने आपने, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद है? अभी तो यही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उज्ज्वला रावत कोर्ट केस वापस लो। उज्ज्वला रावत कोर्ट केस वापस लो। उज्ज्वला रावत, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया क्या? जो केस तुमने हमारे अध्यक्ष के खिलाफ किया है उसे वापस लो। मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ एक विधवा को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। देखो, अभी तो हम सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं,
अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो हम और आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे संतोष यादव के साथ बढ़ गए थे। संदेश, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये सब? और ये सब तुम्हें करने के लिए किसने कहा है, हाँ? अरे वो मैडम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है, समझे? जाओ। देखिए मैडम, आज तो मैंने इन लोगों को किसी तरह से शांत करा दिया है, लेकिन शायद हमेशा नहीं करवा पाऊंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको अपनी मजबूरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या है ना मैडम, ये लोग बड़े भावुक हैं बेचारे। जब मुझ पर कोई परेशानी आती है ना, बिचारों से बर्दाश्त नहीं होता। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं तो समझ रही हूं, पर शायद आप नहीं समझ रहे। संतोष यादव की विधवा को इंसाफ मिलकर रहेगा। देखिए अब किसे क्या मिलता है वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही तय करेगा ना। जय मिस्टर पांचाल, आप कितने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं? करीब 14 साल से। और इस दौरान आपने कितनी फिल्में बनाई? इस दौरान मैंने 9 फिल्में बनाई हैं। क्या गुनाह फिल्म से पहले भी आपकी कोई फिल्म विवादों में रही है? जी नहीं। तो क्या आपकी फिल्म गुनाह जब विवादों में आई तो आपने अपने फ्रेंड से सलाह मशवरा लेने की नहीं सोची कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? जी नहीं, मैंने कभी इसकी जरूरत नहीं समझी। किस चीज की जरूरत नहीं समझी मिस्टर पांचाल, सलाह लेने की या विवाद निपटाने की? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके हर एक एक्शन से लगता रहा कि आप चाहते थे कि आपकी फिल्म विवादों में रहे। ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मैं अभी भी टेंशन में हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। प्रेस में दिए गए आपके बयानों से तो ऐसा नहीं लगता मिस्टर पांचाल। जब एक पत्रकार ने आपसे पूछा कि संस्कृति मंच के सदस्यों की धमकियों को आप कैसे ले रहे हैं, तो आपका कहना था कि हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और गली के कुत्तों के भौंकने से उस पर फर्क नहीं पड़ता। एक टेलीविजन इंटरव्यू में आपने कहा कि अगर संस्कृति मंच के लोगों को मेरी फिल्म पर आपत्ति है तो वो जाकर कोई धार्मिक चैनल देखे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप चाहते थे कि ये विवाद तूल पकड़े। देखिए, आप मेरे बयानों का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं क्या, कोई भी इन बयानों का यही मतलब निकालेगा। और योर ऑनर, मेरे पास मिस्टर पांचाल के ऐसे 14 इंटरव्यूज हैं। योर ऑनर, ऐसे बयानों से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर पांचाल ने इस विवाद को हवा दी। इसीलिए मेरे मौकिल का मानना है कि मिस्टर पांचाल भी उनके पति की मौत के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला शायद यह भूल रही है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और मिस्टर पांचाल ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मिस्टर गैरोला, मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान ने हमें अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। ऐसे बयानों को जिनसे किसी पंथ या समुदाय के भड़कने की आशंका हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उन्हें जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मिस्टर पांचाल को इतना जिम्मेदार तो होना चाहिए था कि वो भले ही विवादों को खत्म करने की पहल ना करते, पर उन्हें और भड़काते तो नहीं? जिन्हें भड़कना होता है ना मिस उज्ज्वला, वो बिना किसी बात के भड़क उठते हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, विनम्रता की मूर्ति थे योर ऑनर, लेकिन अंग्रेज लोग उनके विनम्र आचरण के बावजूद भड़क उठते थे। लेकिन मिस्टर पांचाल ने ना ही विनम्रता दिखाई और ना ही संयम से काम लिया। हाँ हाँ, आपके हिसाब से तो संयम और विनम्रता का जीता जागता उदाहरण सांस्कृतिक मंच ने दिया है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला,
उसी तरह मिस्टर पांचाल के बयानों को आप खामखा तूल दे रही है और उन्हें तोड़ मरोड़ कर अदालत में पेश कर रही है। मिस्टर गैरोला, मैं मिस्टर पांचाल के बयानों को तूल कतई ना देती। अगर उनके बयानों से विवाद जो उठे हैं उनके चलते एक बेगुनाह की मौत ना हुई होती। इसीलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर पांचाल को संतोष यादव की मौत के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। जी मेरे मंच के सदस्य पायल सिनेमा जरूर गए थे, उन्होंने सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। हमारे मंच के किसी भी सदस्य ने कोई मारपीट नहीं की योर ऑनर। मिस्टर पटेल, मेरे पास न्यूज चैनल की क्लिपिंग्स हैं जिसमें आपके मंच के सदस्य संतोष यादव के साथ साफ साफ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो न्यूज चैनल्स की क्लिपिंग्स मैंने भी देखी है, उसमें हमारे मंच का कोई सदस्य नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि वो लोग आपके मंच के सदस्य नहीं है, लेकिन इस हादसे से पहले भी कई बार प्रेस और टेलीविजन में आपने इस विवाद को लेकर कई चेतावनियां जारी की हैं। जी हाँ। इतना ही नहीं मिस्टर पटेल, आपने यहाँ तक कहा था कि इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, और ये रहे पेपर्स में आए आपके इंटरव्यूज, यानी कि आपने ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिसके चलते हंगामा हुआ और उससे संतोष यादव की मौत हुई। इसीलिए योर ऑनर, मेरी मुवक्किल मानती है कि संतोष यादव की मौत के लिए मिस्टर पटेल भी नैतिक रूप से जिम्मेदार है। जी मैं तो उसकी पूरी तरह मदद करना चाहता था, बल्कि मैंने हॉस्पिटल में फोन करके कहा था कि जितना भी खर्चा हो करें मैं दूंगा। उसकी पत्नी को मैं कुछ पैसे भी देकर आया था। और मिस्टर खन्ना, आपके थिएटर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक आधुनिक बढ़िया हॉस्पिटल है, उसे वहां न ले जाकर 8 किलोमीटर दूर बने सरकारी अस्पताल में क्यों ले जाया गया? जी वो इसलिए क्योंकि आपने अपने स्टाफ को ऐसा करने की हिदायत दी थी। अगर उसे आधुनिक अस्पताल में ले जाया गया होता तो उसकी जान बच जाती। कुछ रुपयों के लालच में, सस्ते इलाज के एवज में आपने उसे सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। मिस्टर खन्ना, सरकारी अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसके शरीर से इतना खून बह चुका था कि उसकी मौत हो गई। इसीलिए उसकी मौत की नैतिक जिम्मेदारी आप पर भी पड़ती है। योर ऑनर, इन तीनों आरोपियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से संतोष यादव को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि उनकी विधवा को इन तीनों ही से 30 लाख रुपए की रकम मुआवजे के तौर पर दिलवाई। अदालत रेवती यादव की याचिका अपने संज्ञान में लेती है। तीनों आरोपियों को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्हें संतोष यादव की मौत के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार क्यों ना माना जाए। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाता है। तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, चील उड़, कौवा उड़, कुत्ता उड़, और सर्दी हमारा कुत्ते नहीं उड़ते। ओए काके, तू अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है? हाँ जी। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे। बोलो। तू ये बोल, सबसे पहले अंतरिक्ष इज कीड़ा जानवर गया से? कुतिया गई सी, लाइका था उधर ना। आ, तू ये कुतिया कैसी गई सी? रॉकेट इज बैठ के। तू रॉकेट कैसे गया सी? उड़ के। फिर कुतिया भी उड़ के गई सी? हेलो। हेलो सर जी। ईशा जी, क्या हाल है? चंगे। अब तुआटे भी चंगे होने वाले। तो कैसे? एक नया केस जो आया है। नया केस? केस कड़ा आएगा जी? वो फिल्म की कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उस दिन मॉब ने जो हल्ला करा था पायल सिनेमा हॉल में, गेटकीपर मारा गया था, उसी का केस। हम तो बहुत बिजी हैं जी। ओह नो, मैडम ने तो पूरे 30 लाख रुपए हर्जाने का केस फाइल किया है। जीत जाते तो 10% हमारा था, पर क्या करें, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। ओए, टाइम किस घरे के पास नहीं है सर जी? अरे ये तो इडियट है, असी तैयार है। ठीक है, मैं आपको केस की सारी डिटेल्स अभी फैक्स करती हूँ। ओए टिली लिली लिली
हाय श्वेता। हाय उज्ज्वला, कैसी हो तुम? ये दिनेश पांचाल वाली जो फिल्म कंट्रोवर्सी वाली न्यूज है कवर कर रही हो ना? आजकल की हॉट न्यूज है और तुम्हारी पिटीशन ने तो हंगामा मचा दिया है। थैंक यू। वैसे ये लोग इस केस को कोर्ट के बाहर सेटल करना चाहेंगे, इसलिए हमें अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। और अगर तुम्हें कुछ काम की बात पता चले तो प्लीज बता देना। डेफिनेटली। थैंक यू। हेलो देव। हाँ श्वेता, बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम कहाँ हो देव? मैं अभी जीवन मिल के पास हूँ। शूटिंग कर रहे हो क्या? नहीं, किसी से मिलने आया हूँ। अच्छा तुम दिनेश पांचाल के असिस्टेंट डायरेक्टर हो ना? हाँ, पर मैं अब छोड़ चुका हूँ। कब? बस हफ्ता 10 दिन पहले। ओके अच्छा, मैं जीवन मिल के पास ही हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, तुम फटाफट यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अचानक ऐसी क्या बात हो गई? तुम आओ ना देव, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। एड्रेस नोट करो। सॉरी श्वेता, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। 40 मिनट इंतजार कराया तुमने मुझे और थोड़ा सा लेट हो गया। बाबा, I'm sorry. बताओ क्या काम है? तुमने दिनेश पंचाल के यहाँ काम किया है ना? हाँ, करीब 2 साल काम किया था, लेकिन अब छोड़ चुका हूँ। क्यों? वो झगड़ा वगड़ा फिल्म की रिलीज को लेकर प्रॉब्लम, बस इसलिए। दिनेश पंचाल के बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊँ, ठीक ठाक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल तो हर कोई होता है, लेकिन कोई खास बात अच्छी या बुरी? एक खास बात है उनकी, एक नंबर के शोबाज इंसान है। मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों से घिरे रहना उनकी आदत है। सुंदर लड़कियां ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये उनका स्टाइल है। सुंदर लड़कियां स्टाइल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल फिल्म की, इसके बारे में कुछ जानते हो? श्वेता, ये काफी अंदर की बात है। दिनेश पांचाल और माधव पटेल दुनिया के सामने एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये दूसरे को मिलते रहते हैं रीजेंट होटल में। रीजेंट होटल में? कब से? करीब 2 महीने से। Are you sure? मैं खुद एक बार उनकी मीटिंग में मौजूद था, इसलिए। तुम तो बड़े काम के आदमी निकले देव। चलो फटाफट बताओ और क्या क्या बातें मीटिंग में। हाँ बस तुम्हारे हालचाल पूछने चला आया। बड़ी जल्दी याद आ गई। देखो तुम मुझे गलत मत समझो, जो भी कुछ हुआ उसका दुख मुझे भी है, मगर ये कोर्ट केस करके तुमने अच्छा नहीं किया। तो आपने अच्छा किया मेरे साथ? आपके पास मैं 3 बार गई थी, लेकिन आपके पास तो समय नहीं था। देखो पुरानी बातें भूल जाओ, तुम क्या समझती हो ये जो कोर्ट में केस किया है तुमने, तुम जीत जाओगी? घर की बात है, आपस में सुलझा लेते हैं। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। बस इतने से ही कीमत लगाया आपने मेरे पति का? ओफो, तुम समझना क्यों नहीं चाहती? अच्छा मैं ना पांचाल और पटेल दोनों से बात कर लूंगी, ठीक है? और मुझसे बात नहीं करेंगे खन्ना साहब? मैं बाद में आ जाऊंगा। खन्ना साहब आप कभी भी आए, लेकिन मेरा जवाब ना ही होगा। मुझे इन लोगों से यही उम्मीद थी और तुमसे। आपने जो रास्ता दिखाया उस पर तो चलना ही होगा। कमाल है केरला साहब, आपने मुझसे ये कहा था कि कोर्ट किसी भी हालत में पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे पांचाल साहब, तो आपको किसने कहा था कि वहां कटघरे में खड़े खड़े सच बोले?
अरे दुनिया वालों देखिए, ये कोर्ट में सच बोल रहे थे। अरे कह देते कि इंडस्ट्री वालों से सलाह मशवरा कर लिया था, संस्कृति मंच वालों को सुले के पैगाम भेज दिए थे। अरे भाई मैं कैसे बोल देता, मैंने जबकि ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अरे पांचाल साहब, ऐसे तो मुकदमा जीत नहीं पाएंगे आप। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझे आप? यार अभी भी हमारे पास काफी वक्त है, मैं उस पिटीशन का ऐसा जवाब दूंगा कि जज को आपको आरोप मुक्त करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचे। वो कैसे? मैं केस का पूरा ध्यान आपसे हटाकर पटेल और खन्ना की तरफ मोड़ दूंगा। अरे उस गेटकीपर की बीवी को तो पैसों से मतलब है ना, चाहे कहीं से भी आए। देखिए गैरोला साहब, आप कुछ भी कीजिएगा, मुझे इससे बाहर निकालिए। उन दोनों के साथ क्या होता है मुझे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पांचाल और पटेल आपस में मुलाकात करते रहे हैं। लगता है पांचाल ने कोशिश तो बहुत की होगी चोरी छिपे उसे मनाने की, शायद पैसा भी ऑफर किया हो, लेकिन बात बनी नहीं। लगता तो ऐसे ही है। हम पांचाल की कमजोरी का फायदा उठाकर लेकिन इस बात का पता लगा सकते हैं। वो कैसे? लड़की को भेजकर। लड़कियों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो। और फिर मैं उस लड़की को एक ट्रांसपॉन्डर दूंगा, लड़की कहीं उसकी गाड़ी में फिट करा दे तो उसकी मूवमेंट के बारे में हमें पता चलता रहेगा जी। लेकिन हम ऐसी लड़की लाएंगे कहां से? लाना कहां से है, मैं हूं ना। और फते जी, आप लोग कह रहे थे कि आप दोनों ने काम शुरू कर दिया है। आहो मैडम, मैं कल ही खन्ना से मिलने जा रहा हूँ और काका तो अपना आधा मिशन कंप्लीट कर भी चुका होगा। क्या मतलब? अगर कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ सुना दिया तो? अरे वो उसी सूरत में होगा जब ये साबित हो जाए कि वो तीन हमलावर हमारे ही मंच के सदस्य थे, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वो तीन आदमी नहीं पकड़े जाते जिन्होंने एक्चुअली गेटमैन को मारा था। उनकी फिक्र आप मत करो, वो तीनों एकदम सुरक्षित जगह पर हैं। मैं जानता हूँ, और फिर भी अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो पंचाल से वसूल कर लेंगे। अरे लक्ष्मण बेटा, जा जाके आराम कर। बड़ा अच्छा लड़का है। इसे यहां आए 6-7 दिन हुए, मेरे ख्याल से हमें इसके सामने इस तरह बातें नहीं करना चाहिए। अरे इसकी फिक्र क्यों करता है, ये तो बेचारा गूंगा है। गूंगा? हाँ, ऋषिकेश के बाबा बालकनाथ का चेला है, उन्होंने ही उसे यहां पर भेजा है। अब भला बाबा की बात मैं कैसे डाल सकता हूँ? देखो ईशा बेबी, बात ऐसी है कि अभी मेरे साथ ये कोर्ट वगैरह का झंझट चल रहा है। जब तक ये झंझट खत्म नहीं होता मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाऊंगा। सर मैं आपके पुराने प्रोजेक्ट से अपडेट कर दूंगी, आपकी फंक्शनिंग के चर्चे तो दूर दूर तक हैं सर। अरे कुछ नहीं है, ये इंडस्ट्री के लोगों का बड़प्पन है बस। ओह सर, यू बीइंग मॉडेस्ट, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि आपने हमारी इंडस्ट्री को 3 टॉप हीरोइंस दी हैं, और जिन्होंने आपके अंडर एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है आज वो कितने सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हैं। हाँ जी डिल्लो जी, दसो की करा। ओए फोनिस तो गल किसी तोड़े नाल, मैंने एक पंजाबी फिल्म बनाई है, लॉन्च करनी है। ओए पंजाबी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगा, पर मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये फिल्म बंबई भी लॉन्च होनी चाहिए। बंबई? हाँ। पंजाबी फिल्म? डिल्लो साहब ये बड़ा मुश्किल काम है। तोड़े वास्ते कोई भी मुश्किल काम नहीं हैगा, बस आप अपने थिएटर पर लगवा दो, सारे पंजाबी इसी एरिया बसते हैं, तुसी लिख लो पहला 2 हफ्ता तो बिल्कुल पक्का हाउसफुल। अरे अब इस गूंगे की चिंता छोड़ और ये बता कि वो तीन कैसे हैं, वक्त पे खाना पीना तो मिल रहा है ना उन्हें? वो तीनों मौज कर रहे हैं मौज, तो उनसे कहो कि कुछ दिन और मौज कर ले और अंडरग्राउंड ही रहे, हम उन्हें पुलिस के हाथों लगने नहीं दे सकते। I like your honesty. I'm very honest, sir. ईशा तुमने मुझे कन्विंस कर ही लिया कि मैं तुझे काम पे रख लूं। थैंक यू वेरी मच सर। डल्लो साहब, तोड़ी ये फिल्म को लॉन्च करना आसान नहीं हैगा। तुसी देखो, हीरो नया, हीरोइन नई, पब्लिसिटी कितनी है,
ऐसे में टिकट बेचना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, कोई एक और खास बात है मेरी फिल्म में। वो क्या? दस इस फिल्म में एमएमएस स्कैंडल है। एमएमएस स्कैंडल? वही दो चार पोस्टर कहीं लग गए, बस फिल्म अपने आप हिट हो जाएगी। आपकी 50% की पत्ती रख लियो। देखो डेलो साहब, मैं आपकी ये फिल्म नहीं ले सकता। वो 60%, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। डेलो साहब, वो कोई गल नहीं है, पर मैं आपकी ये फिल्म नहीं ले सकता। वो क्यों? डेलो साहब, मैं पहले एक फिल्म बीच फंसा हुआ और दूसरी फिल्म में भी कंट्रोवर्सी हो गई तो थिएटर बंद करना पड़ेगा। वैसे मैंने तो सुना है कि ये जानबूझकर किया था पांचाल ने। कोई सब जानते हैं रिलीज वाले दिन पंगा होगा, यही कह के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को भेजी थी। डेलो साहब, ये मीडिया वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। रब जानता है, मैंने अगर पहले से पता होता ना तो ये फिल्म में लेते ही ना। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। संभाल के जाना और कल सुबह 10 बजे तक आ जाना। जी अच्छा। Thank you very much. Okay. Ouch! क्या हुआ? उस शायद पैर मुड़ गया। कैसे? I don't know. मैं काम करूँ तुमको घर छोड़वा दूँ? No, thank you sir. I'll manage. No, I'm serious baby. Please come on. अरे रघु, जरा गाड़ी लेके आना, मैडम को थोड़ा घर छोड़ दो हैं। Don't worry. आओ, come. बस वो बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड। No problem. Thank you. चलो साहब, मैंने तो माफ कर दो यार। ठीक है, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल फते जी, बताइए क्या खबर है? खबर तो ये है कि मेरे ख्याल से वो खन्ना को तो मालूम ही नहीं था कि फिल्म रिलीज वाले दिन कुछ पंगा हो सकता है। अच्छा अच्छा, वो ईशा ने ट्रांसपॉन्डर वो पांचाल की गाड़ी में फिट कर दिया? हाँ, वो तो कर दिया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखता हूँ। वेरी गुड। सर जी की क्या खबर है? ओ हाँ, उसने ये खबर दी कि वो संतोष यादव पर अटैक करने वाले जो 3 लोग थे, उन लोगों को पटेल ने कहीं छुपा रखा है। कुछ पता चला कहाँ है वो लोग? अभी काका अपना लगा हुआ है, पता कर लेगा। एड्रेस? हाँ, एक मिनट नोट कर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ऐसा करते हैं, ये एड्रेस ना श्वेता को दे देते हैं और मैं उससे बात भी कर लेती हूँ। कल सुबह तक मुझे बाकी की रकम मिल जानी चाहिए। मेरा आदमी तुम्हें फोन करेगा। सर जी। हाँ बोल काके। सर जी नंबर नोट करो। हाँ बोल।
यू मे प्रोसीड। मिस्टर पटेल, पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि जिन लोगों ने संतोष यादव के साथ मारपीट की वो आपके मंच के सदस्य नहीं थे। जी हाँ। क्या आपने राकेश त्यागी, संदीप खरे और मनोज खन्ना का नाम सुना है? जी नहीं। ये तीनों आपके मंच के नॉर्मल मेंबर्स नहीं बल्कि ऑफिस बेयरर्स थे। और ये रही इनकी मेंबरशिप की फोटोकॉपीज। हो सकता है, देखिए वैसे मैं सब ऑफिस बेयरर्स के नाम नहीं जानता। हो सकता है शायद आपको इनकी शक्लें देखकर याद आ जाए कि आपके मंच के कितने इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये रहे कुछ फोटोग्राफ्स जिसमें ये तीनों आपके साथ तीन अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं। कुछ याद आया मिस्टर पटेल? हो सकता है शायद मैं इन्हें कहीं मिला हूं। तो फिर आपको ये जानकर दुख होगा कि ये वही तीन लोग हैं जिन्होंने संतोष यादव के साथ मारपीट की और फिर उसकी जान चली गई। योर ऑनर, अब हमारे मंच के हर सदस्य के व्यवहार की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता ना, और इस बात का क्या सबूत है कि मारपीट इन्हीं लोगों ने की है? पायल सिनेमा के गार्ड ने इन तीनों के फोटोग्राफ से इनकी पहचान की। अगर ऐसी बात है तो फिर इन तीनों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप ही के निर्देश पर ये हंगामा करने निकले। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है योर ऑनर। मैंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। ये मनगढ़ंत कहानी है मुझे फंसाने के लिए। मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रही हूँ मिस्टर पटेल, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो इन तीनों ने पुलिस को दिए हुए अपने बयानों में। जी हाँ मिस्टर पटेल, जहां पर आपने इन तीनों को छुपा रखा था पुलिस उन्हें वहां से गिरफ्तार कर चुकी है। जरा देखिए तो सही कोर्ट में पीछे कौन खड़े हैं। अभी तक ये खबर इसलिए नहीं पहुंची मिस्टर पटेल क्योंकि आपके जो लोग खाना देने इन्हें गए थे वो अभी तक पुलिस के कब्जे में हैं। योर ऑनर, संस्कृति मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि संतोष यादव की हत्या उन्हीं के हाथों हुई है। उन्होंने जो भी कुछ किया वो मिस्टर पटेल के निर्देशों का पालन करते हुए किया। दिनेश पांचाल और प्रवीण खन्ना का भी यही कहना है कि सारा हंगामा संस्कृति मंच के सदस्यों की वजह से ही हुआ। इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि मिस्टर माधव पटेल को संतोष यादव की मौत के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार माना जाए और उसकी विधवा के लिए 30 लाख रुपए का हर्जाना इनसे दिलवाया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों की बिना पर ये अदालत माधव पटेल को संतोष यादव की मौत के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार मानती है और ये निर्देश देती है कि ठहरिए जज साहब। मिस्टर पटेल, आप अपना बयान दे चुके हैं और यह अदालत फैसला ले चुकी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं करना चाहता, लेकिन साथ साथ मैं अदालत को यह बात भी बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ दिनेश पंचाल भी बराबर का जिम्मेदार है। मिस्टर पटेल, आप कहना क्या चाहते हैं? यही योर ऑनर कि असल में फिल्म रिलीज के समय हंगामा करवाने का सारा प्लान दिनेश पंचाल का था। जी हां जज साहब, तकरीबन 2 महीने पहले दिनेश पंचाल मुझसे मिलने आया था। उन्होंने मुझे अपनी नई फिल्म के बारे में बताया। पटेल साहब, क्या है कि मैंने फिल्म तो अपनी किसी तरह से पूरी कर ली है, लेकिन अब पब्लिसिटी के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? सर, आप तो जानते हैं कि आज की डेट में बात में फिल्म विवाद में आ जाती है और विवाद में आते फिल्म हिट भी हो जाती है क्योंकि वो मीडिया कवरेज मिलता है। सो तो है। पड़े साहब, शुरू में मैंने अपनी पब्लिसिटी का बजट 1 करोड़ रुपया रखा था, लेकिन वो फिल्म इतनी ओवर बजट चली गई कि अब मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपये बचे खर्च करने के लिए। 10 लाख? जी। 10 लाख में तो कोई बात नहीं बनेगी। सर, बात बन सकती है अगर आप चाहें तो। मतलब? पटेल साहब, वो मैं पैसे
आपको दे सकता हूं। मुझे मुझे क्यों भला? सर आप चाहें तो मेरी फिल्म विवाद में आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वो धरना प्रदर्शन वगैरह, और अगर आप उसे समझें तो तोड़फोड़ भी की जा सकती है। नहीं, अगर आप चाहें तो। मिस्टर पंचाल, आप गलत प्रोफेशन में हैं। क्यों सर? आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए दिए योर ऑनर। ये झूठ बोला योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इस अदालत में एक टेप सुनाने की इजाजत चाहूं। इजाजत है। पांचल साहब, मैं संदेश बोल रहा हूँ। पटेल साहब ने आपको फोन करने को कहा था। देखो, मैं पटेल जी से कह चुका हूँ कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, जब होगा मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। उन्होंने आपसे आज ही पैसे लेने को कहा है। जब कह रहा हूँ कि नहीं है तो कहाँ से दूं? एक तो पहले इतनी टेंशन चल रही है, कोर्ट में न जाने क्या होगा, ऊपर से तुम लोग पैसे की रट लगाए बैठे हो। आपने कहा था कि काम होती बाकी रकम भी दे देंगे। अरे तो काम हुआ कहाँ? मैंने सिर्फ ये कहा था कि थोड़ा हंगामा करना, ये थोड़ी कहा था कि किसी की जान ले लेना। अरे हंगामा करने से फिल्म 2-4 दिन लेट रिलीज होती और हिट हो जाती, लेकिन अब तो पता नहीं कब रिलीज होगी और हो भी पाएगी या तुम लोगों की बेवकूफी से अटक जाएगी, ये भी तो पता नहीं है। देखिए, जो हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपने कहा था सेंसेशन फैलना चाहिए, हमने फैला दिया, अब आप मुकर नहीं सकते। क्या कर लोगे तुम्हें? क्या कर लोगे अगर बाकी का पैसा ना दूं तो? अरे उस गेट कीपर की बीवी को हर्जाना देना पड़ा तो तुम्हारे पैसे से ही काटूंगा ना। कोर्ट के फैसले से पहले मैं कोई पैसा नहीं देने वाला, बता देना पटेल साहब को। अरे अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इनके मौत के पीछे पांचाल और पटेल की इतनी बड़ी साजिश होगी। लेकिन उज्ज्वला जी, ये गल मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि पटेल ने सारी पोल क्यों खोली। उसके पास कोई और चारा था? अगर पोल ना खोलता तो हरजाने की सारी रकम अकेले भरता। आहो जी, ऐसे लोगों के लिए कुलविंदर कौर कहती थी, हम तो डूबेंगे सनम। तुम कभी नहीं डूबेंगे।